नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रियंकाज वर्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी में और मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका। आज की वीडियो ये सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। अब तक की सीरीज में हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक की बात कर चुके हैं और मैंने इन सारी सीरीज की प्लेलिस्ट बना के अपने चैनल पर डाली हुई है। अगर आप वहाँ से भी जाके इसे आसानी से देख सकते हैं और अगर आपका कोई भी फ्रेंड है, आपके कोई भी फ्रेंड है, आपके रिलेटिव्स हैं या कोई भी आसपास हो जिनकी डेट ऑफ बर्थ अब तक की मेरी बनाई हुई सीरीज में पड़ी है, तो प्लीज़ आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें, क्योंकि हम बहुत मन से वीडियो बनाते हैं और जो बातें हम जानते हैं, हमारे पास जो ज्ञान है, हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि जो लोग देखेंगे उसमें अपने मुलांग को अपने बहुत आसपास पाएंगे, तो इससे उन्हें ये पता चलेगा कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, उनके लकी स्टोन क्या हैं, उन्हें लक को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ आप ये सारी वीडियोस उनसे शेयर करें। और आज की वीडियो ये हम मई का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स मई के बारे में बात करेंगे और मई के बारे में हम मूलांक 1, 2 और 3 की बात करेंगे। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले मई के जनरल करेक्टर्स जान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मई के महीने में जन्म लेता है तो उसके कारण उसके जनरल करेक्टर्स, उसके फाइनेंशियल कंडीशन, उसकी हेल्थ या उसे किसके साथ बिजनेस करना चाहिए या शादी करनी चाहिए, ये सारी बातों पे एक नज़र डाल के तब हम आगे बढ़ेंगे। तो हम शुरू करें। मई में जो व्यक्ति पैदा होते हैं, मीन्स उनका जन्म होता है, वो लोग बहुत दृढ़ संकल्प और विश्वासी लोग होते हैं। मीन्स किसी चीज़ में अगर उन्हें विश्वास हो गया तो विश्वास बहुत अड़िग होता है। ये किसी बात को ठान लिए कि ये हमें करना है तो ये बिल्कुल उस काम को करके रहते हैं। कुछ मामलों में आप इनको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। तो यहाँ एक ही थोड़ी सी माइनस पॉइंट होती है कि सामने वाला अगर उन्हें जानना चाहता है तो पूरी तरीके से जान नहीं पाता है। लेकिन इनके में क्या होता है कि बैल के समान गुण पाए जाते हैं, मीन्स वृष या वृष को ही बैल, वृष या बैल के समान गुण पाया जाता है। धीरे धीरे धैर्यपूर्वक ये अपना सारा काम करते हैं और उस काम को पूरा ही करके दम लेते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए अडिग हो जाते हैं तो उस संकल्प ले लेते हैं, तो जब तक वो काम पूरा ना हो ये अपने काम से पीछे नहीं हटते। लेकिन इस चक्कर में लोग इन्हें जिद्दी भी समझ सकते हैं, क्योंकि काम करने के लिए ये सामने वाले की फीलिंग्स भी हर्ट कर सकते हैं। अगर किसी को हर्ट करके भी वो काम पूरा करना पड़े तो ये लोग ऐसे शख्स हैं कि ये ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारे महीनों में सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाली राशि होती है, मीन्स इसको आप अपने प्रेम से वश में कर सकते हैं। अगर आपने इनके प्रेम को कुरेद दिया तो मीन्स आप कहते हैं ना कि किसी की नेगेटिव पॉइंट जान जाए, तो ये मई में जन्म लेने वालों का आप अगर आप समझ गए तो इन्हें समझ जाइए कि इन्हें प्रेम से आप अपने वश में कर सकते हैं। ये अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति के लिए भी बहुत अच्छे रूप में जाने जाते हैं। जब तक अगर इनका संकल्प अडिग रहा तब तक कोई भी तनाव ये बर्दाश्त कर सकते हैं। ये अत्यंत सामाजिक स्वभाव के इंसान होते हैं, आमतौर पर प्रसन्न रहते हैं और मित्रों के साथ मिलजुल के रहते हैं। ये खाना भी बहुत अच्छा बना लेते हैं और उत्तम मेजबान होते हैं। अगर आप इनके घर गए तो आपका स्वागत खूबी किया जाएगा, कभी जाके आप देखिएगा। अवसर के अनुकूल जीवन के मंच पर ये कोई भी रूप आपको दिखा सकते हैं। उनकी भूमिका, अगर इन्हें कोई रूप मिल गया तो उसकी भूमिका को ये बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे। और एक होता है ना कि ये जैसे हैं नहीं, इनको सामने वाला हमेशा ही समझेगा कि बहुत अमीर किस्म का इंसान है, क्योंकि ये बहुत ही टिप टॉप से रहने वाले इंसान हैं और दिखावा भी पसंद है, मीन्स जितने में है नहीं उससे ज़्यादा का आपको दिखावा भी कर देंगे। इनमें जो मेल और फीमेल जो दोनों लोग हैं वो अंतिम सीमा तक उदार होते हैं, मीन्स उदार की भावना इनके अंदर बहुत होती है। अगर आप इन पे अपना प्रेम दर्शाते हैं तो उस प्रेम को बरकरार रहने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ये वातावरण के प्रति विशेष संवेदनशील होते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर इन्हें रहना पड़े तो ये प्रायः ही उदास या दुखी नजर आएंगे, किसी काम में इनका मन नहीं लगेगा। और अगर तर्कहीन बातें इनके सामने की जाती हैं तो ये गुस्से में थोड़े से, जैसे होता है ना कि खून खौल उठना, तो वो भी चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। तो
थोड़ा सा ये नेगेटिव पॉइंट है कि ज़्यादा तेज़ी से ये अपने किसी भी बात का रिएक्शन करते हैं। लेकिन अगर इन्हें अगर ये भी पता चल गया कि गलत बातों पर रिएक्शन था, तो उसका पछतावा भी इन्हें बहुत अच्छे से होता है, सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इनमें उनको अगर किसी से सामंजस्य बैठाना हो तो उसमें भी ये पीछे नहीं हटेंगे, सामने वाले के साथ अच्छे से मिलजुल जाएंगे। और इनके में संगीत कला और जो डांस वाली वो होता है ना नृत्य, जो इसकी फीमेल हैं आप कभी भी देखिएगा, वो लोग डांस बहुत अच्छा करेंगी, या संगीत प्रेमी होंगे, कला प्रेमी होंगे कुछ लोगों। लेकिन इस राशि में यह है कि कुछ तिथि को अगर छोड़ दें, मीन्स कुछ मूलांक को छोड़ दें, तो ये लोग अपने इस हुनर का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, तो क्योंकि ये वहाँ तक काम नहीं कर पाते हैं। और जिन्होंने अपनी ये काबिलियत समझ ली, अपनी इच्छा शक्ति, अपना संकल्प, अपना वो सही दिशा में जिद करना, तो ये बहुत ही आगे जा सकते हैं। तो ये मई वालों की जनरल करेक्टर्स थी। आइए अब बात कर लेते हैं मई में जन्म लेने के कारण इनकी आर्थिक दशा जनरल रूप में कैसी रहेगी। तो जहाँ तक धन प्राप्ति का सवाल है, मई में जन्म लेने के कारण ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं, मीन्स धन वगैरह के भी मामले में ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन लोगों में धन कमाने और उसको जमा करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, और ये आराम से भी मीन्स आराम से इनकी लाइफ व्यतीत हो, इस पर भी ये पैसे खर्च करने में पीछे नहीं हटते हैं। इसमें जो कि मेल और फीमेल है, अगर ये भूमि खान खनिज का विकास करते हैं तो इनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, या होटल रेस्तरां में जो खाने पीने के पदार्थ हैं उसका अगर कोई बिजनेस करते हैं तो इसमें भी ये बहुत ही सक्सेस होंगे। पढ़ाई के मामले में भी ये अच्छे माने जाते हैं, मीन्स ठीक इनका वो रहता है, ना बहुत हाई होता है ना बहुत लो, लेकिन अगर ये किसी बिजनेस में जाते हैं तो ये बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। अब एक नज़र हम इनके स्वास्थ्य पे भी डाल लें, तो इनका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के मामले में तो ये ठीक है, लेकिन अगर ये दूसरों की परेशानी जल्दी देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही उदार किस्म के होते हैं। अगर सामने बहुत परेशान है तो हो सकता है उसके बारे में सोच के इनको थोड़ी मानसिक उलझन हो जाए, तो इस पर इन्हें थोड़ा वर्क करना चाहिए। ऐसे लोगों को नाक फेफड़ियों से संबंधित बीमारियाँ भी बहुत होती हैं, अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो इसका इफेक्ट भी इनके ऊपर बहुत पड़ता है। इनके जो त्वचा रहते हैं, जो स्किन्स रहते हैं, वो अक्सर भूखे रहते हैं या इन्वायरमेंट चेंज होते हैं उस पर भी इफेक्ट होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे निमोनिया वगैरह वाली जो चीज़ें रहती हैं ये इन पर ज़्यादा अक्सर हावी रहती हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहें। अब मई में जन्म लेने के कारण इंसान को किससे शादी करना चाहिए या किसके साथ आगे चल के बिजनेस करना चाहिए, तो आप ये डेट चाहें तो नोट कर लें, या फिर वीडियो तो देख ही रहे हैं लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आप ये नोट कर लें। आप जैसे लोगों को 19 अप्रैल से 20 मई तक, 21 अगस्त से 20 सितंबर तक और 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक, 21 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच में जो लोग जन्मे हैं, जिनका मूलांक इस समय पड़ता है, उसके साथ आपको शादी भी करना चाहिए, और आपके व्यवसाय भी अगर आप करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आइए अब बात करते हैं मई में जन्म लेने वाले उन व्यक्तियों की जिनका मूलांक 1 है, मीन्स जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है। आपके कारक ग्रह होते हैं शुक्र और सूर्य। ये एक बहुत ही अच्छा योग माना जाता है, मीन्स बहुत ही अच्छा योग है। अगर आप कोई भी काम सोच समझ के करें या उसकी शुरुआत करने से पहले सोच लें तो उसमें आपको काफ़ी सफलता मिल सकती है। जो लोग 28 मई को जन्म लेते हैं उनका लक उनके साथ और भी बाकी नंबर से ज़्यादा होता है। आप जैसे लोगों को अपने काम पर काफ़ी भरोसा होगा, लेकिन अगर आपको किसी ने छेड़ दिया, मीन्स आपको गुस्सा दिला दिया, तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यदि आपको गुस्सा ना दिलाया जाए और आपको क्रोध ना आए तो आप बहुत ही धैर्यवान और विनम्र व्यक्ति हैं, मीन्स बस आप जैसे लोगों को प्रेम में ही से ही वश में किया जा सकता है। लेकिन अब क्या होगा कि आप जिस भी काम में जाते हैं, या ऐसा नहीं है कि हमारे इन्वायरमेंट में हम जैसा चाहते हैं हमेशा वैसा हो, ऐसा कभी नहीं होता है, तो आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्तियों से हो सकती है जो आपको गुस्सा देना है, तो आपको इस पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। अब एक नज़र डाल लेते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी।
आप जिस भी काम में लगे, आपने जो भी काम चूज किया हो या जिस काम में भी आप लगे हुए हैं, उसमें एक आपका व्यापक दृष्टिकोण होगा कि नहीं, आप एकदम सही हैं और बिल्कुल आपको उस पर अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करके उसी काम को आगे करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये उसी में लगे रहने की वजह से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तो इस पर थोड़ा सा आपको वर्क करना होगा। आप जो भी सोशल काम होता है, मीन्स जनता के लिए जो काम होता है, अगर इससे ऐसा कोई भी बिजनेस अपनाते हैं, मीन्स जिससे आप जनता के संपर्क में रहें, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी और ज़्यादा मिलेगी। आइए एक नज़र आपके हेल्थ पर भी डाल लें। आप जैसे लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, बस आपको ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट जैसे चेंज होता है तो थोड़ा प्रिकॉशन लें, क्योंकि उससे क्या होगा, जुकाम, निमो, और वो अगर फेफड़े तक संक्रमित हो जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। अदरवाइज आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके फ्रेंडली नंबर की। तो आपके फ्रेंडली नंबर हैं 2, 1 और 6, 1, 2 और 6, या 2, 1 और 6, जो भी आप समझ लें। आपको इन्हीं मूलांक वाले दिन अपने सारे इंपॉर्टेंट काम करने हैं और आपका अट्रैक्शन भी इन्हीं मूलांक वाली तिथियों के प्रति होगा। अब अपने लक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सुनहरा, नारंगी, पीला, भूरा, हरा, सफ़ेद, क्रीम या नीले कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। आपके लकी स्टोन हैं हीरा, पुखराज, चंद्रकांत मणि और फिरोजा, और 28 मई वाले जो लोग हैं वो सभी चमकीले नग यूज़ कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं मई में जन्म लेने वाले उन व्यक्तियों की जिनका मूलांक 2 है, मीन्स जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 और 29 है। आपके कारक ग्रह हैं चंद्र, नेपट्टून और शुक्र। ये एक बहुत अच्छा योग नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें इमोशंस जो होते हैं आप पे ज़्यादा हावी होते हैं। तो लेकिन काम के लिए, सफलता के लिए, बिजनेस के लिए ये ठीक है, लेकिन इमोशंस के लिए इसे हम थोड़ा कच्चा योग मानते हैं। आप जैसे लोग कल्पनाशील होते हैं, कला प्रिय भी होते हैं। आदर्शवाद या गुप्त विद्याओं की ओर आपका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, मीन्स आप ये जानना चाहते हैं कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, तो उधर आपका झुकाव जो होता है वो ज़्यादा होता है। अगर आपको अपनी प्रतिभा उभारनी है, मीन्स तो आप साहित्य, कला, संगीत और नाटक जैसे चीज़ों में अपना टाइम व्यतीत करना चाहेंगे, ये चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। आप जैसे लोग अपने घर को सुंदर वस्तुओं से सजाने के शौकीन होते हैं, मीन्स आपको ये चीज़ अच्छा लगता है। अगर अनुकूल वातावरण मिले, आपके मन के अनुसार जो आपका इन्वायरमेंट हो, तो आप अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस करेंगे। अच्छे मतलब वहाँ आपको ये सोचना नहीं है कि ये करना, अगर आप वहाँ कोई डिसीजन भी लेते हैं तो एकदम सही डायरेक्शन मिलेंगे। लेकिन क्या होता है कि स्थिति आपके साथ बहुत चेंज होती रहती है, मीन्स ये अनुकूल वातावरण बहुत देर तक आपके साथ नहीं टिका रहेगा, क्योंकि आप जैसे लोगों को अपना निवास स्थान बार बार चेंज करना पड़ेगा और इस वजह से थोड़ी आपको कठिनाई आएगी, ये चीज़ अपनाने में थोड़ी आपको कठिनाई आएगी। लेकिन ये कठिनाई 20 और 29 मई को पैदा हुए, मीन्स उस समय जन्म लिए हुए व्यक्तियों में थोड़ी ये कठिनाई कम देखी जाएगी, कि मतलब इस चीज़ को, निवास स्थान जैसे चेंज कर रहे हैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में इन्हें थोड़ी सी आसानी होगी। आप जैसे लोग दूसरे के दुख को देखकर, आपकी सहानुभूति इतनी उम्र पड़ती है कि वो कभी कभी आपके दिमाग पर भी हावी हो जाती है, मीन्स आप दूसरे को दुखी नहीं देख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन उस चीज़ों से खुद के ऊपर इफेक्ट पड़े ये नहीं होना चाहिए। आप उसकी प्रॉब्लम का सलूशन खोज सकते हैं तो बेशक खोजिए, लेकिन खुद को परेशान न कीजिए। आप जैसे लोगों का जो नेचर होता है वो बहुत ही सरल, मीन्स बहुत मधुर रूप में जाना जाता है, और ये जो आपकी चीज़ें हैं, कोई दूसरा भी आएगा तो उस वो आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा, कह रही ये तो बहुत स्वीट पर्सन है, ऐसा करके हम कहते हैं ना, तो वो नेचर आप जैसे लोगों का है। और आप अगर निवास स्थान बदलते हैं, थोड़ा सा फेस होगा, लेकिन उस नए वातावरण में आप घुल मिल जाएंगे तो वो आपके लिए फिर से वापस ठीक हो जाएगा। आप में एक अद्भुत प्रेरणा होगी अपने सपने सच करने के लिए, क्योंकि ये योग आप में है। तो आप अगर चाहें कोई सपने देखें तो अपने सच करने की आपके पास पूरी क्षमता है उसको, तो इसका यूज़ जरूर कीजिएगा। अब एक नज़र आपके हम आर्थिक दशा पर भी डाल लेते हैं। आर्थिक दशा आपके उतार चढ़ाव रहेगी, कभी आपका लक बहुत साथ देगा और कभी हो सकता है साथ छोड़ दे, तो आपको लगेगा कि अरे वो काम ठीक से होता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन
बाद में अंततः वो काम में आपको सफलता मिल जाएगी। आपको थोड़ा सा अपने फिजूल खर्ची पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप जैसे लोग इसमें भी बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लेते हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जनता से मीन्स जनता के संपर्क वाले जो भी काम है आप उसमें करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब एक नज़र आपके स्वास्थ्य पर डाल लें, तो स्वास्थ्य के मामले में आपको जुकाम, इन्फ्लुएंजा या फेफड़े से संबंधित, नस से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, विशेषकर जब इन्वायरमेंट चेंज करेंगे, क्योंकि ये मई में जन्म लेने के कारण इसका इफेक्ट आप जैसे लोगों पे मीन्स सारे जो भी मई में जन्म लेते हैं ये सब पे ही दिखने को मिलेगा कि फेफड़े से संबंधित या निमोनिया या जुकाम, इससे ये अक्सर ही ग्रसित रहेंगे, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। आइए अब बात कर लें आपके फ्रेंडली नंबर की। तो आपके फ्रेंडली नंबर हैं 2, 7 और 6, और आप अपने कोई भी इम्पॉर्टेंट काम करें तो इसी मूलांक वाली तिथियों को करें, सफलता के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जो लोग 29 मई को जन्म लेते हैं उनके लिए उनका जो मूलांक है वो 5 भी उनके फेवरेबल 1 में आएगा, वो अपना कोई इम्पोर्टेंट काम उस दिन भी कर सकते हैं। आप जो 2, 7 और 6 वाले लोगों के प्रति आपका अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, और 29 वाले जो मूलांक के लोग हैं मीन्स उनके वो जो हैं 5 नंबर के साथ भी उनका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। आप अपने लक को स्ट्रांग करने के लिए हरा, सफ़ेद, क्रीम और नीले कलर का, कबूतरी कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और आपके लकी स्टोन हैं पन्ना, चंद्रकांत मणि, लहसुनिया, मोती, फिरोजा और सभी नीले लक। आइए अब बात कर लेते हैं मई में जन्म लेने वाले उन व्यक्तियों की जिनका मूलांक 3 है, मीन्स जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 और 30 है। आपके कारक ग्रह होते हैं गुरु और शुक्र, यह एक बहुत ही अच्छा योग माना जाता है, बशर्ते शुक्र का जो प्रेम पक्ष है, शुक्र जो होते हैं प्रेम के देवता माने जाते हैं, अगर वो पक्ष आप पे बहुत ज़्यादा हावी ना हो तो आप बहुत ही सफल इंसान बन सकते हैं। आपको अपनी आकांक्षाओं को एकदम खुल के अवसर देना चाहिए ताकि उसमें कोई अड़चन ना आए और आप आगे बढ़ें। सामाजिक और व्यवहारिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में आप लोगों से ज़्यादा संपर्क करें, ऊंचे लोगों से, क्योंकि आप में एक अट्रैक्शन करने की बहुत अच्छी क्षमता है, उससे आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता है। आप जैसे लोग हर अन्याय का विरोध करेंगे, मीन्स कोई अन्याय करता है तो वो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और जहाँ सहानुभूति होगी वहीं पर आप आगे बढ़ पाएंगे, तो ये आप जैसे लोगों का नेचर होता है। धर्म के बारे में आप बहुत ही दृढ़ और स्वतंत्र विचार वाले इंसान हैं, आप अपने सभी विचारों में संकल्पवान होंगे और अपनी योजनाओं पर अमल करेंगे। आप जैसे लोगों के डिमेरिट बस ये है कि आप लोग प्रेम के भूखे होते हैं, कोई भी आपको अपने प्रेम से वश में कर लेता है, हो सकता है इस वजह से आप कम आयु में शादी भी कर लें, मतलब प्रेम विवाह कर लें, लेकिन प्लीज़ ऐसा करने से पहले सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके लिए सक्सेस ना हो, आपको हमेशा ही बड़ी उम्र में शादी करनी चाहिए। आप जैसे लोग चित्रकला, संगीत, साहित्य, अनेक प्रकार के जनजीवन में श्रेष्ठता का परिचय देते हैं, मीन्स इसमें भी आप बहुत निपुण होते हैं। आप लोग की प्रतिभा इतनी बहुमुखी होती है कि यह निश्चय कभी कभी करना कठिन हो जाएगा कि आप क्या करें और क्या ना करें। घर और मातृभूमि के प्रति भी आप बहुत ही लगाव रखने वाला इंसान है, मीन्स बहुत ही आपके मन में इनके लिए लगाव रहेगा। अपने देश के लिए भी लाभकारी राष्ट्रीय परियोजनाओं को आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ये आप जैसे लोगों की खासियत होती है। आइए अब एक नज़र डाल लें आपके आर्थिक दशा पे। आर्थिक मामलों में आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपके जीवन में अनेक रास्ते आएंगे जिसको सेलेक्ट खुद आपको करना होगा, बस सेलेक्ट करने से पहले दो बार सोचिएगा ज़रूर, अदरवाइज किसी भी लाइफ में किसी भी रास्ते पे आप जाते हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब एक नज़र आपके स्वास्थ्य पे डाल लें। स्वास्थ्य के मामले में भी आप लकी हैं, लेकिन शुरुआत के दिनों में मीन्स जब आपका प्रारंभिक अवस्था होगी उसमें हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, जैसे निमोनिया वगैरह के चांसेस या अस्थमा, लेकिन जब आप एक एज पार करेंगे तो आप इन चीज़ों से भी निजात पा जाएंगे। आपको विशेषकर अपने फेफड़े, नली, श्वास नली, इन सब चीज़ों का पे फोकस करना होगा और ध्यान देना पड़ेगा, मीन्स इन्वायरमेंट जब भी चेंज हो तो थोड़ा इस समय भी आप ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं आपके फ्रेंडली नंबर की। तो आपके फ्रेंडली नंबर हैं 3 और 6,
तो आप अपने सारे इंपॉर्टेंट काम इसी दिन करने की कोशिश करें। जो 30 मई को जन्म लिए लोग होते हैं उनके लिए 5 नंबर भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो इस दिन भी अपने सारे काम कर सकते हैं और इन्हीं मूलांक वाले तिथियों के साथ इनका अट्रैक्शन भी होगा। अपने लक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बैगनी, फालसई, जामुनी और नीले कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, सफलता के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपके लकी स्टोन हैं कटेला, बैगनी रंग के नग और फिरोजा। 30 मई वालों के लिए हीरा और चमकदार नग भी बहुत ही लकी साबित होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मई में जन्म लेने वाले उन व्यक्तियों की जिनका मूलांक 4, 5 और 6 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।